हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, ब्रदर के हमारे कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहां पर हमको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसमें हमें कुछ इंडिकेशन लाइट्स ही होती हैं जहां से हमको पता चलता है कि हमारे जो टोनर है या हमारा जो प्रिंटर है उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, टोनर की लाइट होती है, ड्रम की लाइट होती है, पेपर की लाइट होती है और रेडी कंडीशन की लाइट होती है। ज़्यादातर हमें इसमें ड्रम के इंडिकेशन का सामना करना पड़ता है कि हमारा जो ड्रम है वो ख़राब हो गया है और यहाँ पर जो ड्रम की लाइट है वो ब्लिंक आउट करने लगती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे ड्रम के पोर्शन में जो क्रोमा वायर होती है उसके नीचे एक नेट लगी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस नेट को आप थिनर की मदद से या पेट्रोल की मदद से आप इसको अच्छी तरह से साफ कर दीजिए रुई लेकर, और उसके बाद इस ड्रम को दोबारा फिट कर दीजिए और आपके जो ड्रम की एरर है वो ठीक हो जाएगी और आपका जो प्रिंटर है वो रेडी कंडीशन में आ जाएगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको साफ कर रहे हैं और साफ करके जब हम इसको दोबारा लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। आप इसका पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी क्रोमा वायर होती है और इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का एक हैंडल लगा होता है, इससे आप क्रोमा वायर को भी साफ कर सकते हैं। थिनर से या पेट्रोल से साफ करने के बाद आप इस सेक्शन को 5 मिनट सूखने के लिए छोड़ दें। यह हमारा पूरा ड्रम सेक्शन है जहां से हमने इस चीज को निकाला है, जिसके नीचे एक फॉर्म की रॉड भी होती है, उस रॉड को भी आप बिल्कुल हल्के से साफ कर दें। सूखने के बाद अब हम इस ड्रम को यहां पर दोबारा फिट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ड्रम को यहाँ पे लगाकर उसके ऊपर हमने जो सेक्शन साफ किया था उसे उसके ऊपर फिट कर देंगे और साइड में जो लॉक होता है उसको हम लगा देंगे। ये लॉक हमारा यहाँ पर लग गया और हमारा जो ड्रम सेक्शन है ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम टोनर लगाएंगे और इसे प्रिंटर में लगा देंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसकी सहायता से आप अपने ब्रदर प्रिंटर के ड्रम के एरर को दूर कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रदर प्रिंटर्स में ड्रम को रीसेट कैसे किया जाता है और पूरे के पूरे प्रिंटर को रीसेट कैसे किया जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम ब्रदर प्रिंटर के जो टोनर हैं उनको रीफिल करते हैं तो उनके जो गियर्स होते हैं उनको रीपोजिशन करना पड़ता है, उसकी वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बी विद अस। बाय बाय।